सिंगुलर नाउन वर्ब, प्लुरल नाउन वर्ब पहचान करना और लगाना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट उनके बारे में हम बातों को करते हैं। कल हमने किया था एक वचन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किन शब्दों के साथ, एवरी है, एवरी मैन है, एवरी बॉडी है, नन है, वन ऑफ द है, उनके साथ कौन सा प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एक नियम और देखते हैं, जब आइदर और आए तो और के बाद सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाएंगे। कल हमने पढ़ा था केवल आइदर आए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, केवल नाइदर आए उसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन आइदर और साथ में आ जाए, याद रख लेना, आइदर और साथ में आ जाए तो और के बाद जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। ये नियम ध्यान रखना है कि जब आइदर के साथ और भी आए, केवल आइदर आए सिंगुलर वर्ब, आइदर के साथ और भी आ जाए तो और के बाद जो सब्जेक्ट है उसको देखकर सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब का प्रयोग अपने को करना है। जैसे आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स ब्रोकन दिस ग्लास, ऑप्शन है हैज लगाओ या हैव लगाओ। तो आप कहोगे वाक्य में आइदर आ रहा है, अकेला नहीं है, साथ में और भी आ रहा है, आ गया ना। और के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स, ये क्या है, और के बाद बहुवचन है, बहुवचन है तो इसको ही देखना है। अगर और के बाद एक वचन हो तो एक वचन क्रिया लगा दो, बहुवचन हो तो बहुवचन क्रिया लगा दो। और के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले मोहन है उसको नहीं देखना, और के बाद बहुवचन है तो है देव में से बहुवचन कौन हो गया, है हो गया, है आ जाएगा। समझ में आई नहीं बात क्या लगाना है, जैसे और देखो आइदर हर फ्रेंड्स, सेम वाक्य समझ में आ जाएगा, और सीता सिंगिंग वाज या वर। इसमें देखें आइदर हर फ्रेंड और सीता, अब इसमें आगे आइदर आ रहा है, पीछे और आ रहा है, और के बाद सब्जेक्ट क्या है, और के बाद सब्जेक्ट सीता है जो कि एक वचन है, एक वचन है तो एक वचन क्रिया ही लगानी है। सब्जेक्ट अगर और के बाद एक वचन आ रहा है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है। वाज वर में से एक वचन कौन है, वाज है, कौन है, वाज है, सीता वाज, दोनों में अंतर पहचान लो, वाक्य आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों से पहचानतर पहचान लो कि आइदर और आए तो और के बाद जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो एक वचन लगा दो, बहुवचन है तो बहुवचन लगा दो, फिक्स नियम नहीं है। इसमें और के बाद सीता एक वचन है तो वाज लगेगा एक वचन, और के बाद हिज फ्रेंड्स बहुवचन है तो यहाँ पर हैव लगेगा, हैज नहीं लगा। इस तरह आप आसानी से वाक्यों को बना सकते हो। जैसे आइदर हिज सन और हिज फादर टी, ऑप्शन हो गया मेक या मेक्स, क्या लगाओ। तो आइदर और आ गया, आइदर आया और आ गया,
आपको ध्यान रखना है और के बाद एक वचन है हिज फादर, उसके पिताजी, कितने वचन हो गए? एक वचन। तो क्रिया भी कौन सी लगानी है? एक वचन क्रिया लगानी है। कौन सी लगानी है? एक वचन क्रिया लगानी है। जिसमें एस आई एस होगा वो क्या होगी बताओ? जिसमें एस आई एस होगा वह क्रिया कौन सी होगी? वह सिंगुलर होगी, ये एक वचन है। और जिसमें नहीं होगा ये क्या है? बहुवचन क्रिया है। तो अपने को सब्जेक्ट हिज फादर एक वचन है, तो एक वचन क्रिया में ऐसे ही लगेगा, तो हिज फादर मेक्स आ जाएगा टी, इसमें आ जाएगा हिज फादर मेक्स टी आ जाएगा। एक वचन और बहुवचन में ये ध्यान रखने वाली बात है और कोई विशेष बात नहीं है। जैसे आइदर द कैप्टन और द सोल्जर्स कमिंग इज और आर, पहचान करो। आइदर और आ रहा है, यहाँ आ गया आइदर और, आ गया आइदर और के बाद द सोल्जर्स, ये द सोल्जर्स है ना, ये एक वचन है, बहुवचन है, आपको भी ज्यादा है इसलिए बहुवचन हो गए। बहुवचन हो गए तो क्रिया भी कौन सी लगानी है? प्लुरल वर्ब लगानी है। अब आपको ये पता होना चाहिए इज और आर में से बहुवचन क्या है। मैंने बताया था उस दिन इज और आर में से इज एक वचन है, आर बहुवचन है, वाज वर्ब में से वाज एक वचन है, वर्ब बहुवचन है, हैव में से हैज एक वचन है और हैव बहुवचन है, और जिसमें ऐसे ही लगा हुआ है वो एक वचन है, नहीं लगा हुआ है वो बहुवचन है। तो बहुवचन सब्जेक्ट हो गया यहाँ और के बाद, तो बहुवचन ही वर्ब लगानी है। इज और आर में से बहुवचन कौन है? आर है, आर है, तो सोल्जर्स आर कमिंग आ जाएगा। कोई विशेष कठिन वाली बात लगे तो मुझसे पूछ सकते हो कि कठिन लग रहा है आपको, बाकी कोई कठिन वाली बात इसमें है नहीं। जैसे आइदर हिज फादर और हिज सन्स फूड कुक या कुक्स, अंतर बताओ। तो आप कोई नियम लगाओगे कि आइदर दिख रहा है अकेला तो नहीं है, अकेला आइदर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, अकेला आइदर अगर आता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है, लेकिन आइदर अकेला ना आता हो और के साथ आता हो तो और आ रहा है क्या? यहाँ आ रहा है और, आइदर और आ रहा है और के बाद एक वचन है क्या? सन्स, सन्स कौन से? बहुत सारे हो गए बेटे, यानी बहुवचन हो गया, बहुवचन करता यानी प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? बहुवचन क्रिया, प्लुरल वर्ब आएगी। अब ये आपको पहचानना है बहुवचन क्रिया इनमें से कौन सी है। जिसमें एस आई एस लगा है वो याद रखना एक वचन, नहीं लगा है वो क्या होती है? बहुवचन। तो बहुवचन सब्जेक्ट है तो यहाँ कुक्स नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? कुक आएगा। ये अंतर पहचान कर लें कि कुक क्यों आ रहा है और कुक्स क्यों आ रहा है, इस अंतर को अगर आप पहचान सकते हो तो आसानी से आप आइदर और के वाक्यों को आराम से खा सक कर सकते हो।